बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नैतिकता शिविर को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज कार्यक्रम। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत नैतिकता शिविर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसे नैतिकता शिविर का नाम दिया गया है। इस नैतिकता शिविर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आज मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया है। लगातार लोगों के बीच उनकी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज लोगों से और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं ताकि सरकार की नीतियों योजनाओं को पहुंचाया जा सके। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज सेक्टर 44 में नैतिकता शिविर को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों और जनता के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित हो, किस तरह की नैतिकता हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों को आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हैं। इस नैतिकता शिविर के अंदर तमाम वो अधिकारी मौजूद रहेंगे जो प्रदेश सरकार से अधिकारेंगे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं और जनता भी जुड़ी रहेगी। तो ये इस तरह के प्रोग्राम पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं कि अधिकारियों को नैतिकता का पाठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पढ़ाने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर नीरज, क्योंकि देखिए लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, चाहे वो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मौजूदगी दर्ज करानी हो या फिर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना हो, तमाम बातों को खुद फ्रंट फुट पर आकर वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मिशन 2024 बहुत नजदीक है और लक्ष्य भी काफी बड़ा। बिल्कुल, देखिए कल ही जिस तरह से किसानों की सारी मांगे मानी गई हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल खुद बयान दिया था कि हरियाणा सरकार सूरजमुखी का सर्वाधिक समर्थन मूल्य दे रही है पूरे देश के अंदर, तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर जरूर देखा जा रहा था क्योंकि 9 साल बेमिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को 10 लोकसभा में जाना है। 2024 की तैयारियां बिल्कुल सर पर है और 2024 में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, चुनावों को लेकर व्यवधान नहीं आए, किसानों की मांगे मानी गई हैं और आज हालांकि खापों ने जरूर बंद का ऐलान किया है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर ऐसा कोई जो स्थिति है वो सामान्य तौर के ऊपर दिखी जा सकती है। जी रहने, चलिए नीरज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हुए थे। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम में कार्यक्रम है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसे नैतिकता शिविर नाम दिया गया है।